in real number, in real number. क्वेश्चन में हमारे पास टू दैट रूट टू इज ए इरेशनल, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, क्या होता है तो हम देखना चाहते हैं लेट कर लेते हैं कि रूट टू इक्वल टू ए अपॉन, यानी रूट टू हमारी एक रेशनल नंबर है, इसमें ए और बी का एलसीएम है वो वाला, यानी ए और बी का कॉमन फैक्टर हमारा जो है वो वन है, और रूट टू हमारी जो है टू करना ही रेशनल है, लेकिन हमने इसको रूट टू को रेशनल नंबर मान लिया, यानी रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ से रूट टू बी इक्वल टू हो जाएगा ए, जो पास क्वेश्चन ले रहे हैं आप स्क्वायर में करेंगे दो साइड स्क्वायरिंग ऑन दो साइड स्क्वायरिंग ऑन दो साइड, जब स्क्वायरिंग दो साइड करेंगे तो रूट टू बी का स्क्वायर करेंगे, रूट टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हो रहा है कि टू जो है नंबर वन वो ए स्क्वायर डिवाइड कर टू डिवाइड ए स्क्वायर, अगर ये टू नंबर ए को स्क्वायर डिवाइड कर रही है तो टू ए को भी डिवाइड करेगी, टू जो नंबर वाली है अगर ए स्क्वायर डिवाइड कर रही है वो ए को भी डिवाइड करेगी, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू को फोर ले लें तो फोर टू से डिवाइड हो जाएगा, मतलब तो टू भी टू से डिवाइड हो जाएगा, हमें बताएं यानी कि हमारी नंबर टू से डिवाइड हो रही है और टू से ए भी डिवाइड हो रही है, तो हम एक दूसरा ऑप्शन ले लेंगे ए इक्वल टू टू सी, सेकेंड ऑप्शन ले लिया हमने ए इक्वल टू टू सी, अब इसको सिर्फ ऊपर क्वेश्चन सेकेंड लेवल को वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन पे ये की वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर, ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का मीन्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर का मीन्स हो जाएगा टू डिवाइड बी स्क्वायर, टू डिवाइड बी स्क्वायर एंड टू डिवाइड बी, यानी टू हमारा बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है टू बी को भी डिवाइड करेगा, टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी टू हमारा जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने दिया गया था कॉमन फैक्टर वन, लेकिन आप क्या कहना टू, यानी वन के अलावा भी टू भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो जो हमने एडजस्ट किया था कि रूट टू हमारी जो है रेशनल नंबर है या हमारा क्योंकि फॉर्म में है, तो वन के अलावा भी फैक्टर तक टू आ गया है, यानी रूट टू जो हमारी वो रेशनल नंबर नहीं है, अगर रेशनल नहीं तो क्या होगा, अगर नंबर रेशनल नहीं हो रही है तो पता है वो इरेशनल नंबर, तो दिस इज दिस कंट्राडिक्स दिस कंट्राडिक्स रूट टू इज रेशनल, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, इसी प्रकार से हम रूट थ्री को भी प्रूव कर
सकते हैं कि रूट डी के लिए नंबर है, हम रूट फाइव को भी रूट कर सकते हैं, रूट डी वन भी रूट कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। तो रूट टू के लिए नंबर है, रूट थ्री के लिए नंबर है, रूट फाइव के लिए नंबर है, रूट सेवन के लिए नंबर है, इस टाइप का सवाल करते हैं। आप सेकेंड टाइम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट थ्री माइनस रूट फाइव इज इरेशनल। इसमें भी यही करेंगे, क्या करेंगे, थ्री माइनस रूट फाइव जो है हमारी एक रेशनल नंबर, थ्री माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू एक अपॉन बी, दिस इज रेशनल नंबर। यहां से निकाल सकते हैं रूट फाइव इज इक्वल टू, इसको सेट ले जाएंगे तो घर में क्या है थ्री माइनस थ्री अपॉन बी, तो रूट फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री बी माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ से मुझे जा रहा है ये पी अपॉन बी पे काम है, थ्री बी माइनस ए और ये तो देखना निर्देशन भी पड़ेगा, देखना नंबर वन नंबर टू के लिए का नंबर, सो दिस इज ए पंचकाव डिक्शन, हेंस थ्री माइनस फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टैट क्वेश्चन के वाले स्टेटमेंट नंबर ने कि 3 माइनस रूट फाइव इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम प्लस करेंगे या इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो वो नंबर इरेशनल ही रहेगा। तो 3 माइनस रूट फाइव के बराबर ए पान भी रूट फाइव के बराबर 3 माइनस ए पान भी, 3 भी माइनस ए पान भी, इसे इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगी तो रूट फाइव है इरेशनल। जो है सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, हमने आपका डिस्कस किया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो डायरेक्ट हमने 2 की पावर एन को 5 की पावर एन के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग हो, और बाकी सब सदर नॉन टर्मिनेटिंग हो। और आज हमने डिस्कस किया रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 3 1.5 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं।